नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लेके आए एक नई मेडिसिन गायों और भैंसों के लिए। तो लेके चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में और बात करते हैं कि आज की मेडिसिन किस चीज़ के ऊपर है और क्या उसके यूजेज हैं। ये जो मेडिसिन है इसका नाम है प्रेगासिस। प्रेगासिस, हाँ, इसका भी नाम से क्लियर है मेडिसिन का। प्रेगासिस मतलब प्रेगनेंसी के लिए। जी जी जी। ये उन केसेस में यूज होती है जो रिपीटर बोलते हैं हम इंग्लिश में, जो मेडिकल लैंग्वेज में रिपीटर बोलते हैं उसको। हाँ जी, जो जैसे लाइक हम उसका मतलब क्रॉस कराते हैं या उसमें AI करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसका करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें करने के बाद वो ठहरती नहीं है, ठीक है। जब चेक करते हैं उसको तो पता चलता है खाली है, खाली रह, प्रेगनेंसी नहीं हुई, नहीं हो पाई। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जी जी। उसमें क्या होता है कि यूट्रस के अंदर सर्विक्स में स्वेलिंग आ जाती है, यूट्रस के अंदर मेट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, एंडोमेट्रियल लेयर होती है यूट्रस में, वो उसकी थिकनेस में प्रॉब्लम होती है। जी जी। ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी होनी रही है, ये भी एक केस है, और प्रेगनेंसी होके अबॉर्ट हो रही है, ये एक अलग केस है। मेन चीज वही है अबॉर्शन, या लाइक तीसरे महीने में अबॉर्ट हो गया बच्चा, अबॉर्ट हो गया। तो इट मींस उसका यूट्रस में पावर नहीं है बच्चे को होल्ड करने के लिए, राइट। तो ये जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको ये प्रेगासिस टोटली रिमूव कर देती है। जी जी। ठीक है। जो प्रेगनेंट नहीं हो रहा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर हम 10 को देंगे तो कम से कम 8 या 9 को रिजल्ट आता है, इतना उसका रिजल्ट परसेंटेज है। जी 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 जी। बहुत सीवियर किसी कंडीशन है तो उसको हम नहीं कह सकते, बट लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत माइंड ब्लोइंग है। और इसको आप प्रेगनेंसी में रिपीटर के लिए, यूट्राइन इन्फेक्शन के लिए, और लाइक एंटी अबॉर्ट, एज एन एंटी अबॉर्ट, लाइक अगर जैसे कोई पशु है और डॉक्टर ने चेकअप किया उसकी प्रेगनेंसी को और वो बोलता है कि सिम्टम्स दिखा रही है कि बच्चा डाल देगी, यानी कि अबॉर्ट करेगी, बिल्कुल, तो एज सुन एज इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा डाल सकती है तो तुरंत अगर इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो ये अबॉर्शन के सिम्टम्स विथड्रॉ कर लेती है और ये बच्चे को एज इट इज रेस्टोर कर देती है और अबॉर्शन बचा लेती है। बिल्कुल। वहाँ तक भी इस मेडिसिन ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये मेडिसिन में अब इसको देने का कैसा तरीका है, ये थोड़ी इसका तरीका डिफरेंट है देने का। इसका अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा तरीका डिफरेंट है इसका। जी जी। इसमें क्या होता है कि देखो, जब हम सीमेंट डालते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सीमेंट जाएगा यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस ऑलरेडी डिफॉल्टेड है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या बच्चे को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यूट्रस उस टाइम रेडी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए इस मेडिसिन को जो है हम AI करने से पहले, सीमेंट डालने से कम से कम 20 से 25 दिन पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि यूट्रस के अंदर जो भी फॉल्ट है भाई वो एटलीस्ट 20 दिन में रिकवर हो जाए। हाँ, 20 से 25 दिन के अंदर वो रिकवर हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर वो रिकवर होगा तभी तो हम सीमेंट डालेंगे और तभी प्रॉपर सब कुछ होगा। सारी बात वही। अगर वो पहले से डिफेक्टिव है तो ऐसा तो नहीं कि सीमेंट डाला और ये मेडिसिन डाली तो हाथों हाथ रिकवर भी हो जाएगी। वही बात, वो एक घड़ा है, वो टूटा हुआ पहले से। हाँ, उसको पहले पानी डालोगे तो लीक ही करेगा। लीक ही करेगा तो पहले वो होल बंद करना है ना, तभी तो पानी उसके अंदर स्टोर रुकेगा। हाँ, तो यूट्रस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो पहले 25 डेज, यानी कि पकड़ लो अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया मेडिसिन। जी जी। और पशु हीट पे आता है तभी AI करते हैं, तभी क्रॉस कराते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि लाइक 5 दिन बाद हीट पे आती है या 8 दिन बाद हीट पे आती है, तो उस हीट को स्किप कर दो, उसमें कुछ करो ही ना, ना सीमेंट डालो ना कुछ नहीं करना। जी। अगली हीट जो आएगी 20 डेज के बाद आएगी, अगली हीट आएगी, तो उस हीट में आपको इसको इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या क्रॉस जो भी आपको कराना है, आमतौर पर लोग नॉर्मल भाषा में बीज डालवाना बोलते हैं। जी जी जी। बीज डालवाना, ठीक है, तो वो आप करा सकते हो उसमें। उसके बाद इसका रिजल्ट परसेंटेज बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि इसने जो यूट्रस में प्रॉब्लम थी उसको सारी रिकवर कर दी है। यूट्रस में सर्विस में स्वेलिंग वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, कई बार सर्विस में स्वेलिंग ऐसी हो जाती है कि AI करने के लिए गन ही नहीं जा पाती अंदर, स्वेलिंग होती है, गन ही नहीं जा पाती अंदर, तो उससे पहले अगर इसे चला दें तो AI भी बहुत अच्छा, की प्रॉब्लम हट जाएगी, सारी हट जाएगी। सेकेंड कंडीशन इसकी यूज होती है प्रेगासिस की इन्फेक्शन के लिए। हाँ, तो क्या होता है यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से ना वाइटनेस डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं है बट डिस्चार्ज हो रहा है। जब यूट्रस फॉल्टी है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, तो कहाँ प्रेग्नेंट हो जाएगी। बिल्कुल। पहले उसे इन्फेक्शन को ठीक करना है, तो इसको मेडिसिन को चलाने से वो यूट्राइन इन्फेक्शन भी 10 to 15 days में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हो जाता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है। थर्ड गेस एंटी अबॉर्ट, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है। जैसे सिम्टम्स एंटी अबॉर्शन के, मतलब अबॉर्शन की नजर आने से, तो ये आप एंटी अबॉर्ट यूज कर सकते हो, ये उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, उसमें यूज कर सकते हो। और आपने बताया भी अभी इसका साइज 60 ml है, ये 30 ml की नहीं है। ठीक है। और इसका डोसेज है 3 times a day है, 20-20 drops, यानी 1 ml 1 ml 3 times देनी है। और देनी किस तरीके से है? सेम प्रोसीजर है वही। और इसमें आपने बताया, जैसे मान लीजिए अगर एक हीट आ रखी है आज,
और आज की हिट को हमने मिस कर दिया तो सेकंड हिट जो है वो 20 डेज के बाद आ जाती है, 20 डेज का टाइम रहता है। तो एटलीस्ट एक हिट के गैप में, एक हिट का गैप जरूर दें इसमें, इसको स्टार्ट करने के बाद एक हिट का गैप जरूर दें ताकि वो जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह चुका है जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए जिस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो ये मेडिसिन अपना आप डायग्नोस करेगी कि यूट्रस में फॉल्ट कहाँ पे है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, तो ये अपना आप कवर कर लेती है उस चीज़ को। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है प्रेगासिस, आप देख लें सामने बॉटल आपके सामने है, 60 ml की बॉटल है, 200 रुपीज़ का प्राइस है। जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो लेने के लिए व्हाट्सअप डाल सकता है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंटों से भर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेता कि इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोज़ आपको लाइफ टाइम देखने को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय। हमें चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है मुर्शिद, नफरत करने वालों से कहो अपनी दुआओं में असर लाओ।